बदतमीज कैसे सोया है? बदतमीज सोया 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 चोट करेगा नींद में सो जा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा बाबू। मेरा बाबू गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं? आपसे बात नहीं कर रहा हूँ कह रहा है। Hey guys, good morning. अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30. गाइस पता है उस टाइम की याद आ जाती है मुझे सुबह सुबह को देख के कि जब हम लोग जब छोटे छोटे थे तब सुबह सुबह जब 7 बजे का स्कूल होता था ना हमारे पहाड़ों में तो हम लोग इतनी जल्दी उठ जाते थे और भाग भाग के जाते थे। मतलब गर्मियों के टाइम पे होता था और ठंडियों में तो 10 बजे का होता था। आजकल तो छुट्टी हो गई क्योंकि हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि गर्मी की कम छुट्टी होती है, 10 या 12 दिन की छुट्टी होती है और ठंडी तो 1.5 महीने की 1 महीने की मतलब मिनिमम 1 मंथ की तो होती होती है। और सुबह का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, पंछी अपना काम कर रहे हैं। चलते हैं अंदर। जब मैं सुबह मॉर्निंग में पपीज को दूध पिला के आती हूँ ना सबसे बेस्ट टाइम लगता है। वो इतने प्यार से पीते हैं ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं किसी की तो भूख शांत कर रही हूँ। वो अच्छा लगता है। आई लव दिस वर्क। मैं कल सो रही थी मेरे सपने में पता क्या आया मेरे सपने में आया कि जब जैसे मैं ना डॉग्स के लिए छोटे छोटे कैनल बना रही हूँ पर गाइस अगर जब मेरे पर बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और साइड में ना छोटे छोटे कैनल बनाऊंगी डॉग्स के लिए जब विंटर्स के टाइम पे वो बेचारे मर के मतलब जो ठंड से वो लोग मर जाते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है सच में। मतलब मुझे ना डॉग के लिए दिल से फीलिंग मतलब मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मुझे बहुत पसंद है डॉग बहुत ज़्यादा। जैसे एक डॉग यहाँ पे मर गया था मुझे बहुत बुरा लगा था। अगर हमारे पास हैं तो हम उनके उनके लिए कुछ तो करें बट मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रही। मैं तो एक दो पपीज़ को खिला रही। बहुत लोग होते हैं कि बहुत हेल्प करता है तो गाइज मैं भी चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम करूँ डॉग्स के लिए। तो गाइज आप लोग बताना ये आइडिया मेरा कैसा लगा आप लोगों को। मेरा मतलब मैं सोचती कि जब गवर्नमेंट रोड बनाती है ना जैसे सोसाइटी कॉलोनी में रोड बनाती है क्योंकि डॉग्स तो हर जगह होता है और विंटर्स में ठंड तो उनको भी लगती है। रोड के लिए जितना स्पेस है रोड के पास में छोटा सा अगर कैनल बना दिया जाए छोटे छोटे जैसे 4-5 बना दो जैसे लंबे रोड है तो डॉग अपने हिसाब से वो अपने खुद उस कैनल में जाके रह लेंगे। गाइज आप लोग कमेंट में जरूर बताना मेरा आइडिया कैसा लगा। बाद में कभी देखो इम्प्लीमेंट हो पाएगा तो मैं जरूर करूंगी। गाइज यहाँ पे देखो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग पता अपनी रियल खेती लाता है। आंटी पालक भी है? पालक नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है। खुद की खेती करता है और खुद ही बेचते हैं जैसे पालक मेथी बेथुआ बेथुआ हम लोग खाते नहीं। वैसे मैं इनसे ही लेना पसंद करती हूँ पालक क्योंकि क्या होता है जैसे कभी कभी है कि शॉप से लेके आते हैं क्योंकि क्या होता है ना कि ये लोग खुद से खेती करते हैं और इनको खुद का रेट मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो गाइस अभी ना बज रहे हैं शाम के 7 और इस अभी बज रहे हैं 6:19 और ना अभी ऊपर से मतलब कॉल आई थी। आप लोगों ने देखा होगा जो ऊपर गार्डन है वहाँ पर ना आज भैरों का उद्यापन है तो वो बुला रहे हैं तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। चलो शॉप तो गाइस आज यहाँ पे उद्यापन हम लोग आए हैं तो पड़ोसी है हमारे मम्मी आंटी है कदम तो गाइस हम बहुत दूर से है ना तो ये पानी लेके आई है मिस्टर भाई कौन हो भाई और बच्ची ना है यहाँ अरे खीर अरे वो रो रही थी। तो गाइस अभी का सीन ये है ना मैं ऊपर से आ गई नीचे और ब्रूनो ना मुझसे बहुत गुस्सा है ये देखो ये
मेरे पतिदेव भी बैंक से आ गए हैं तो आप लोग पतिदेव से यार बोल नहीं दिया का, तू ही बोल ले, बोल अपना मुंह दिखा दे। हाय बेबी गाइस, जब से ये आए हैं ना तब से इतना परेशान आत्मा घूम रहा है ना पापा को। अच्छा उरे जाइए, खींच जा पापा को उठा, खींच 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 ब्रूनो, खींच बुन्नी खींच। मैंने खींच बोला तो क्या खींच जा रहा है, ये खींच खींच ले पकड़ खींच, देखने आ जा। अबे चप्पल तो मैं लानी है, तू इस मेरी चप्पल देख ब्रूनो फिर पिटाई करूंगी। ले 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 ले। कैसा रहा आज का दिन आपका? मस्त खींच। हाँ देखो एक बात तुमसे, ये देखो उठा रहा है। देखो तुमसे एक बात कहूंगा। क्या बोलो? पार्टी में तो लगी कॉल आज से ही। क्यों मैं बताता हूँ पड़ी में लात क्यों सही, क्योंकि देखो ब्रूनो है मुझको इतना परेशान करता है और तुम हो मुझे इतना प्यार करती हो। बेबी अब इतने क्यूट नहीं हो जितना बनने की कोशिश। हाँ बेटा तो उसी में उसी में बैठना ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन लग गया है गाइस। मैं पापा को इसलिए फोन कर रहा हूँ, पापा की डांट बहुत दिन से खाई नहीं है, डांट खा लेता हूँ। अब सुनना गाइस, सुनना आप लोग पापा कैसे डांटेंगे। हेलो हाँ पापा जयदेव जी, ठीक है वो जूजा बेटा जूजा। और कहाँ हो, घर पे ही हो क्या? हाँ घर पे ही हूँ। अच्छा कब आ रहे हो फिर वहाँ? अभी तो पता नहीं। अब ये देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, लगी मत खेल मत खेल। अरे बात तो खेल रहा ये देखो दोबारा खेलना चाहता है। हाँ बदतमीज है, नहीं दोबारा जाएगा देखना। हाँ देख 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 जाएगा ये। मारे पापा ने क्यों कर रहे इसे तो थैंक यू तो तू इधर तो वो कैसे कर रहा उसको देख मजा है, करंट लग रहा है टिक टिक करके चल लगी। फिर आएगा फिर ये देखो बदतमीज तो है, फिर आएगा देखो। हाँ तो दोस्तों दीक्षा ने खाना तैयार कर दिया है, खाने में है आज आलू गोभी की सब्जी और रायता राजमा। अच्छा राजमा में भी कलर तो रायता जैसा लग रहा है, ये रायता जैसा कलर लग रहा है आपको? मजाक कर रहा हूँ देख, देखा हम थोड़ी देर अब डिनर करते हैं उसके बाद आपको मुझसे मिलता है ठीक है। आप लोग भी डिनर करो और सुनो डिनर करते रहे हमारा ब्लॉग देखो। बेबी हमारे 1 करोड़ व्यूज हो गए ट्विटर, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। देखा आपने, तो आपने कभी हम सोचते थे कि हमारे भैया 100 व्यूज आ रहे हैं, 1000 व्यूज आ रहे हैं, टुडे वी हैव अचीव्ड 1 करोड़ व्यूज बुन्ने। थैंक यू गाइस और सुनो 15,000 सब्सक्राइबर। थैंक यू गाइस, लव यू सो मच गाइस, थैंक यू एंड सैल्यूट टू यू दैट थैंक यू आपकी वजह से ही हमारे इतने सारे व्यूज आए और उसके लिए आपके सैल्यूट बनता है एंड सब्सक्राइबर भी बुन्ने भी ऐसा कर रहा है। एंड आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, मतलब जब हमारे सिर्फ 1 सब्सक्राइबर थे तब से आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो और आज हमारे 15K की फैमिली कंप्लीट हुई है। थैंक यू सो मच गाइस, दिल से थैंक यू। नहीं हमारे 15,000 सब्सक्राइबर हो गए, इधर देख इधर देख। तो गाइस ब्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कोई ब्लॉग अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और क्या, हर हर महादेव। और गाइस आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो गाइस जरूर लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना प्लीज।